नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य नीति के एक और वीडियो में। दोस्तों, चाणक्य नीति को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, राजनीतिक के महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने दैनिक जीवन में कार्य व्यवहार व आचरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए थे, जो कि आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक है। यदि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इन नियमों पर अमल करते हैं तो आप कई बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि दैनिक कार्य व्यवहार में किन चीजों से बचकर रहना चाहिए, ताकि आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, चाणक्य ने कहा कि आग के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अगर ये भड़क जाती है तो आपका सब कुछ स्वाहा हो सकता है। दिया जहाँ रोशनी रहता है, वहीं इसकी लौ आपका सब कुछ भस्म भी कर सकती है। दोस्तों, चाणक्य ने मनुष्य जीवन के लिए जल की उपयोगिता बताई और कहा कि जल ही जीवन है, लेकिन उन्होंने जलीय स्थानों के पास घर बनाने को मना किया। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी जल आपदा की स्थिति में आपके जलमग्न होने की नौबत ना आए। दोस्तों, चाणक्य ने कहा कि महिलाओं से बेहद सावधानी पूर्वक और संभल कर बात करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप इनसे सम्मान पूर्वक व्यवहार एवं बातचीत करेंगे तो समाज में एक सभ्य व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे, और यदि इनके प्रति आपका आचरण अच्छा नहीं है तो आपकी सामाजिक छवि धूलित होते समय नहीं लगेगा। दोस्तों, चाणक्य ने कहा कि मूर्खों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी अगर उनसे बातचीत करनी पड़े तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर सभी बातों को अपनी तरफ से गलत सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, चाणक्य ने कहा कि सर्प से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, यदि वह किसी कोने में शांति से पड़ा है तो भी कौतूहल बस उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। उसका मिजाज कब बदल जाए इस बात का कोई ठिकाना नहीं है, सांप अचानक से आपको काट सकता है। दोस्तों, चाणक्य जी ने कहा है कि राजा या उसके परिवार से बात करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्या पता किस बात पर वो आक्रोशित हो जाए और फिर आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़े। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, यदि किसी आदमी की पत्नी जवानी में मर जाती है तो वह दूसरा विवाह करके जीवन बिता सकता है, लेकिन बुढ़ापे में पत्नी का मरना उसके दुर्भाग्य का कारण बनता है, क्योंकि बुढ़ापे में बिना पत्नी के जीवन नहीं काटा जा सकता। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, यदि कोई पुरुष किसी दूसरे पर निर्भर रहता है तो उसका जीवन नरक के समान रहता है, वह कभी भी अपनी आजादी प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति की किस्मत खराब मानी जाती है। दोस्तों, अगर किसी पुरुष का कमाया हुआ पैसा उसके दुश्मनों के हाथों में चला जाता है तो उसे दोहरी मार पड़ती है, उसी का पैसा उसी के खिलाफ दुश्मनों के द्वारा इस्तेमाल होता है। आचार्य चाणक्य ने इस नीति के अनुसार महिलाओं की खाने की क्षमता यानी भूख पुरुषों के मुकाबले दोगुनी होती है। इसके अलावा चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि महिलाओं में शर्म यानी लज्जा पुरुषों के मुकाबले चार गुना होती है। वहीं अगर सहनशीलता की बात की जाए तो स्त्रियों में पुरुषों से 6 गुना सहन शक्ति की क्षमता भी होती है, इसीलिए स्त्रियों को शक्ति का रूप भी माना गया है। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में कामिच्छा की पुरुषों से 8 गुना ज्यादा होती है, लेकिन उसमें लज्जा और सहन शक्ति भी होने से इस बात इच्छा को उजागर नहीं करती। चाणक्य जी कहते हैं, जिसके मन में पाप का वास हो गया वह बाहर से कितने भी कोशिश कर ले खुद को साफ दिखाने का, उसका मन वैसा ही रहता है जैसे बर्तन में रखी शराब आग में झुलसने के बाद भी पवित्र नहीं होती है। चाणक्य कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर अगर ज्ञान गुण और सील ना हो वह मनुष्य पृथ्वी पर बोझ के समान है, उसे इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है, ऐसे लोग धरती पर बोझ बनकर जिंदा हैं। चाणक्य जी कहते हैं, अगर कोई इंसान पैसे को व्यर्थ में खर्च कर रहा है तो उसे पैसों के महत्व के बारे में नहीं पता, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से झगड़ालू होते हैं और स्त्रियों को परेशान करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों का कब नाश हो जाता है इसका अंदाजा भी वह नहीं लगा पाते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य लेन देन भोजन धन धान्य और व्यवहार से निर्जल रहता है वही इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसे कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता है, अपने कार्यों को अपने मन से करता है। मनुष्य के अंदर कुछ गुण स्वयं से उत्पन्न होते हैं, जैसे दान करना, मीठी बातें करना, लोगों की सेवा करना, समय पर सही गलत का निर्णय लेना, इसे कहीं और से नहीं सिखाया जा सकता।
दोस्तों चाणक्य जी कहते मूर्ख छात्रों को पढ़ाना तथा दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। तात्पर्य यह है कि मूर्ख शिष्य को कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए। पतित आचरण करने वाली स्त्री की संगति करना तथा दुष्ट मनुष्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुखी उठाना पड़ता है। दोस्तों चाणक्य जी कहते दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलट कर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में निवास करने वाले गृह स्वामी की मौत में संयम ना करें, वह निश्चित मृत्यु को प्राप्त होता है। दोस्तों विपत्ति के समय काम आने वाले धन की रक्षा करें, धन से स्त्री की रक्षा करें और अपनी रक्षा धन और स्त्री से सदा करें। दोस्तों आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए। लक्ष्मी तो चंचल है, संचय किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। दोस्तों जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव अर्थात परिवार नहीं, वहाँ विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए। दोस्तों जहाँ धनी वैदिक ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य ये पांच ना हो वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। भावार्थ यह कि जिस जगह पर इन पांचों का अभाव हो वहाँ मनुष्य को एक दिन भी नहीं ठहरना चाहिए। दोस्तों जहाँ जीवित का भय, लज्जा, चतुराई और त्याग की भावना ये पांचों ना हो वहाँ के लोगों का साथ कभी ना करें। दोस्तों नौकर को बाहर भेजने पर, भाई बंधुओं को संकट के समय तथा दोस्त को विपत्ति में और अपनी स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए अर्थात उनकी परीक्षा करनी चाहिए। दोस्तों बीमारी में, विपत्ति काल में, अकाल के समय दुश्मनों के दुख पाने या आक्रमण होने पर राज दरबार में और शमशान भूमि जो साथ रहता है वही सच्चा भाई अथवा बंधु है। दोस्तों जो अपने निश्चित कर्मों अथवा वस्तु का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता है साथ ही निश्चित भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों बुद्धिहीन व्यक्ति को अच्छे कुल में जन्म लेने वाले कुरूप कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए परंतु अच्छे रूप वाली नीच कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि विवाह संबंध समान कुल में ही श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ अनमोल वचन जो हमने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के चाणक्य नीति से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।